કાર્ગો BYD અમદાવાદમાં પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક SUV લોન્ચ કરી. અમદાવાદ ખાતે BYD ઇન્ડિયાએ ગ્રાહકો માટે વ્હીલ શોરૂમ ઉદ્ઘાટન સાથે ભારતની પ્રથમ EV SUV BYD એટો 3 લોન્ચ કરી. વિશ્વની અગ્રણી નવી ઉર્જા વાહન ઉત્પાદક BYD અમદાવાદમાં તેના પ્રથમ પેસેન્જર વાહનના શોરૂમ અને ભારતમાં 10મા આઉટલેટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. અમદાવાદમાં આવેલા શોરૂમનું સંચાલન કાર્ગો BYD દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન BYD ઇન્ડિયા અને કાર્ગો BYD વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રિક પેસેન્જર વ્હીકલ બિઝનેસ BYD ઇન્ડિયા વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ સંજય ગોપાલકૃષ્ણન દ્વારા કરવામાં આવ્યું. કાર્ગો BYD અમદાવાદમાં તેના ગ્રાહકો માટે BYD શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રોનિક વાહનની ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સેવાઓની એક્સેસ પ્રદાન કરશે. ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગમાં નોંધપાત્ર અનુભવ સાથે કાર્ગો BYD પાસે પડોશી પ્રદેશને આવરી લેતા તેના વ્યવસાય સાથે વ્યાપક પહોંચ છે. આ પ્રીમિયમ ઇલેક્ટ્રિક SUV BYD એટો 3 ભારતની પ્રથમ સ્પોર્ટી બોર્ન SUV લોન્ચ કરવામાં આવી છે. દેશમાં 10મા શોરૂમ અને અમદાવાદમાં પ્રથમ પેસેન્જર વ્હીકલ શોરૂમ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદમાં ગ્રાહકોને સુવિધાથી ભરપૂર અને આરામદાયક કાર ખરીદવાનું વલણ વધી રહ્યું છે. શહેરના યુવા વ્યાવસાયિકો તેમની રોડ ટ્રીપ્સ માટે સલામતી, બહેતર એન્જિન પ્રદર્શન, મોટા આરામદાયક વાહન સાથે કાર શોધે છે. દેશમાં સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ગુજરાતમાં 12મા ક્રમે છે. આ વિશે સંજય ગોપાલકૃષ્ણ દ્વારા આ કાર વિશે વધુ માહિતી આપવામાં આવી હતી. એ ભાઈ પાછો રે ભાઈ, પાછો આવી. इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, हम लोग आज इस गुजरात में सबसे पहला शोरूम इनॉग्रेट किया है कार्गो ग्रुप का, कार्गो ई मोबिलिटी सर्विसेज. हम लोग कार्गो ग्रुप के साथ एसोसिएट किया है. फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल शोरूम हमने BYD का गुजरात में खोला है, अहमदाबाद शहर में. आज हमने मेन जो फोकस है BYD एटो 3 हमने बुकिंग चालू किया है और लॉन्च किया है. ये इलेक्ट्रिक SUV है जो हमने इंडिया में लॉन्च किया था. आज अहमदाबाद में ऑफिशियली लॉन्च किया है, बुकिंग चालू कर दिया है. इसका डिलीवरी हम जनवरी 2023 में शुरू करेंगे. इसका खासियत यह है ये ब्लेड बैटरी के साथ आता है जो BYD खुद बनाता है. ब्लेड बैटरी जो है सबसे सेफेस्ट बैटरी है दुनिया में. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसका रेंज सबसे अच्छा होता है. ब्लेड बैटरी और ई प्लेटफॉर्म के साथ ये गाड़ी आता है. ई प्लेटफॉर्म भी हम खुद बनाता है. ये हमारा बॉर्न ई SUV है. इसका मतलब है हम लोग इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म में ही गाड़ी बनाता है. हम लोग IC इंजन प्लेटफॉर्म में गाड़ी नहीं बनाता है. हमारा प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है. हम लोग खुद BYD ऐसे कंपनी हम सब कुछ बनाता है. मोटर बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं और बैटरी भी खुद बनाते हैं. हम लोग किसी से बाहर से कुछ नहीं लेते हैं. हम लोग सब खुद का R&D है. पिछले 27 साल से हम R&D कर रहे हैं बैटरी में और इलेक्ट्रिक मोटर में. तो हम लोग सब कुछ बनाते हैं. इस साल हम लोग दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, टेस्ला से भी आगे है. हमारा सबसे ज्यादा सेल हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. हमने इस साल जनवरी से सितंबर तक करीब 11 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्लोबली हमने बेच चुका है. पिछले साल पूरे साल में हमने करीब 6.5 लाख व्हीकल बेचे थे. इस लाख हम पहले 9 महीने में हमने 11 लाख व्हीकल बेच चुका है. इंडिया में ये सेकेंड प्रोडक्ट है. फर्स्ट प्रोडक्ट हमने BYD E6 जो इलेक्ट्रिक MPV था वो हमने जनवरी में लॉन्च किया था. पिछले 6 महीने में हमने करीब ऑल इंडिया करीब 550 गाड़ियां बेच चुका है. उसका भी ब्लेड बैटरी से आता है. उसका रेंज करीब 520 किलोमीटर है. इसका इलेक्ट्रिक SUV का रेंज जो ARAI ने रेंज टेस्ट किया है उसके मुताबिक 521 किलोमीटर है और ग्लोबल रेंज जो है 480 किलोमीटर का. ग्लोबल साइकिल जो NEDC बोलता है उसके हिसाब से 480 किलोमीटर है. इस गाड़ी में सबसे सेफेस्ट फीचर्स है. इसमें डी पायलट सिस्टम है, सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है, 7 एयरबैग है और हमें परसों यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग में इसका आ गया है.
तो ये सबसे सेफेस्ट व्हीकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में। तो इसका बुकिंग सब ने आज शुरू कर दिया है और जनवरी से डिलीवरी होगा। और अहमदाबाद से हम लोग बहुत खुश है कि हम कार्गो जैसे सबसे काफ़ी बड़ा ग्रुप है, वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पुराना ग्रुप है कार्गो, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर सब कुछ उनके पास है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग उनके साथ टाई अप किया हुआ है, लॉन्ग टर्म होगा ये पार्टनरशिप और वो लोग पूरा गुजरात में